वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज हम बनाएंगे राइस ब्रेड कटलेट। बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है, कम समय में बन जाता है। तो चलिए बनाते हैं। एक बोल में एक कप बॉयल राइस लेंगे और इसे मैशर से हल्का सा मैश कर लेंगे। अगर आप सॉफ्ट राइस लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इस तरह से मैश कर लेंगे। अब इसमें दो ब्रेड डालेंगे, जितना राइस उसी क्वांटिटी में ब्रेड ले लेंगे और ब्रेड को इस तरह से छोटे छोटे करके इसमें डालेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी डालेंगे। मैशर से दोबारा इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे। राइस और ब्रेड को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब इसमें हम बाकी चीज़ों को डालेंगे। 2-3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई प्याज, 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, 2-3 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ, 1 इंच बारीक कटी हुई अदरक, 4-5 करी पत्ता, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, आप चाहे तो इसमें पुदीना पत्ता भी डाल सकते हैं। अजवाइन डालेंगे 1/2 टीस्पून, नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, तिल डालेंगे 1/2 टेबलस्पून, ये टोटली ऑप्शनल है। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस 1 टेबलस्पून के करीब। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कटलेट के लिए हमें एक मीडियम मिक्सचर बनाना होगा, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। अगर बाइंडिंग के लिए ज़रूरत हो तो आप इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा या बेसन डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से हाथ से मैश करते हुए मिक्सचर को बना लेंगे। ये तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा ऑयल लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर लेंगे और हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और कटलेट को इस तरह से बना लेंगे। अब किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। सेम तरह से सारे कटलेट हम बना लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से मैंने कटलेट को बना लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। गरम तेल में एक एक करके कटलेट को डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। और 1-2 मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे। इसे फ्राई करने में आपको 4 से 5 मिनट लगेगा। बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें तो ये टाइट बन जाएगा। और इस तरह से जब गोल्डन ब्राउन होके कटलेट फ्राई हो जाए तब इसे हम तेल से निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर में, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो चला जाए। अब कटलेट को हम सर्व करेंगे टमेटो सॉस के साथ और ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे।